वेल गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक WWE का आज हुआ स्मैकडाउन नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, WWE के आज हुए स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर WWE के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रिंग देखने को मिले, जहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर हमें रोमन रिंग, सोलो सकुआ और पॉल हेवन उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर रोमन रिंग्स के इस प्रोमो के अंदर रोमन रिंग्स समर स्लैम पर जिमी उसो के जे उसो पर टर्न करने को लेकर बात करते गए, जहां पर बेसिकली रोमन रिंग्स ये कहते गए कि समर स्लैम पर जिस तरीके से जिमी उसो ने ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स का साथ दिया है, उसके बाद यहां पर रोमन रिंग्स अब जिमी उसो का फेवर उतारना चाहेंगे। और गाइज यहां पर जिमी उसो जो भी चाहे रोमन रिंग्स से पर्सनली मांग सकते गए। वेल गाइज यहां पर रोमन रिंग्स के इस प्रोमो के बाद हमें फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर आज यहां पर जिमी उसो देखने को मिले, जहां पर जिमी उसो रिंग में आकर रोमन रिंग्स को कन्फ्रंट करते गए। और गाइज जिमी उसो ये कहते गए कि समर स्लैम पर जिमी उसो ने जो भी किया था उसमें रोमन रिंग्स का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज अगर यहां पर रोमन रिंग्स को ये लगता है कि जिमी उसो जे उसो को धोखा दे रहे गए, तो गाइज ये यहां पर रोमन रिंग्स की पूरी तरह से गलती गए। वेल गाइज यहां पर रोमन रिंग्स और जिमी उसो का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर जे उसो अरीना में अराइव हो जाते गए, जिसके बाद कि जिमी उसो जे उसो को फाइनली ये एक्सप्लेन करते गए कि समर स्लैम के ऊपर जिमी उसो ने टर्न क्यों किया था। और गाइज यहां पर जिमी उसो ये कहते गए कि अगर यहां पर जे उसो रोमन रिंग्स को हराकर चैंपियन बन जाते तो गाइज जे उसो भी रोमन रिंग्स की तरह एरोगेंट बन जाते, और गाइज जिमी उसो नहीं चाहते थे कि उनके भाई रोमन रिंग्स की तरह बने। वेल गाइज यहां पर जिमी उसो के काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने के बाद भी जे उसो आज यहां पर जिमी उसो से सैटिस्फाइड नहीं होते गए, बट गाइज यहां पर जिमी उसो और जे उसो का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर रोमन रिंग्स इस सेगमेंट के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि यहां पर जे उसो रोमन रिंग्स पर अटैक कर देते गए। और गाइज जे उसो के रोमन रिंग्स और सोलो सकुआ पर अटैक करने के बाद आज यहां पर स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर जे उसो उनके ब्रदर जिमी उसो के ऊपर भी सुपर किक हिट कर देते गए। और गाइज यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर जे उसो WWE को क्विट करने को लेकर बात करते गए।